वीरेंद्र गोयल जी, आपसे सवाल यही है, क्या योगी और मोदी का जो अहंकार है अपने आप में, मैं बड़ा या मैं बड़ा, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को ले तो नहीं डूबेगा उत्तर प्रदेश के अगले चुनावों में? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 125 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ये किसी एक कैबिनेट मंत्री के हवाले से बात कही जा रही है। नहीं, इसमें रविंद्र जी एक तथ्य और पेश कर दूं मैं कि लगभग सूत्रों से पता लगा है कि कम से कम 64% MLAs ने योगी जी को हटाने की बात कही है और केवल 36% MLA इस पक्ष में ने कहा कि अगर आपने योगी जी को हटाया तो आपकी पराजय निश्चित है। तो यानी कि 64% पे वो 36% भारी पड़ गए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि ये ब्रांड, योगी का जो ब्रांड है वो कितना मजबूती के साथ आया। और RSS 5 बैठकों का जो जिक्र किया, ये बिल्कुल सही बात है, मेरी भी सूचना यही कहती है। और इसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया। और एक दिन तो ये भी पता लगा कि पूरे दिन योगी जी टेलीफोन से भी अपना जो है बंद करे हुए थे या टेलीफोन पे अवेलेबल नहीं थे। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं। और जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात हुई है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकातें हुई हैं, ये सब एक काफी इशारा करती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। और अब तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। लेकिन जैसे संदीप जी ने कहा कि इट इज टू अर्ली टू से कि अभी क्या होता है, अभी तो शुरुआत हुई है, 5-7 दिन की घटना है, आगे जैसे जैसे होगा अनफोल्ड होगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि पहली बार शायद मोदी जी के राजनीतिक जीवन में इस तरह की घटना घटी है कि उनको उनके रहते हुए ट्विटर हैंडल से, नमामि गंगे से के पोस्टर से उनकी फोटोओं को हटा दिया गया है। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल, अंदर क्या चल रहा है ये बिल्कुल आपकी सही बात है। जहां पे उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तक पे उनकी फोटो छप जाना, किसी भी चीज पे, राहत सामग्री पे, कहीं भी हर जगह फोटो होती है, चाहे किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, बिना उनकी फोटो के कुछ भी नहीं जाता है। मोहन गर्ग जी लिख रहे हैं, यू आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, चेक द फैक्ट्स। मोहन गर्ग जी, हम आपसे बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो भी बात कही जाती है पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जाती है और हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। और पैनलिस्ट भी जो हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, जिम्मेदार पैनलिस्ट आते हैं, तो जो भी बातें कही जा रही हैं सब अपनी अपनी बातों को पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये आपको देखना होगा कि क्या RSS में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये आपको जांच करनी होगी। कई बार चीज़ें क्या होती हैं, हम घर बैठे नहीं जान पाते। कई बार हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल से मसाला आता है वो मसाला सही नहीं आता है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम हाइड करते हैं, छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं जानते हुए भी। तो ये मैं दोबारा से कह रहा हूँ, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी बात गैर जिम्मेदारीपूर्ण नहीं कही जाती है, ना हमारा प्रयास होता है कि हम किसी भी तरह का शोर शराबे का, चीख चिल्लाहट का शो करें ताकि TRP बढ़े। हमारा प्रयास है हर व्यक्ति अपनी बात पूरी तत्परता सक्षमता के साथ रखे।